राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर, कैसे हैं आप लोग। राहु से कौन नहीं डरता, राहु का अगर हम इशारा समझ जाएं तो राहु क्या कर देगा आपके जीवन में। जो आंधी तूफान लेकर आ रहा है वो आंधी तूफान आपके जीवन का थम जाएगा और राहु आपको माला माल भी कर सकता है, राहु आपको करोड़पति बना सकता है। क्योंकि ये जो है ना कि ऐसा राहु एक ऐसी जो तेजी से काम करता है कि आपको जीवन में फटाफट आपको रंग बना देगा, फटाफट आपको राजा बना देगा। तो ये आप अगर जीवन में राहु के इशारे को समझ गए तो आपके जीवन में लखपति बनने से, करोड़पति बनने से, पैसों की छमछम छमछम बारिश होने से कोई नहीं रोक सकता। तो हम आज राहु के इशारों को समझेंगे। सबसे पहले तो ऐसे लोग जो दूसरों में दोष निकालते हैं, दूसरों की बार बार कमियां उनको नजर आती हैं, उनकी अच्छाइयां नजर नहीं आती हैं, वो लोग राहु से बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं। ऐसे लोगों का राहु बिल्कुल खराब होता है। दूसरा, अगर आपके हाथों के नाखून जो है ये झड़ने लग जाए और ये नीले पड़ने लग जाए, नीले नीले इनमें निशान पड़ने लग जाए, तो आप समझ जाइए कि आपका राहु जो है ये बहुत नेगेटिव हो चुका है और इसके आपको उपाय की सख्त जरूरत है। तीसरी निशानी क्या है, बार बार आपकी बदनामी हो जाती है। कुछ आप काम नहीं भी करते तब भी आपकी बदनामी हो जाती है, तो बार बार बदनामी से बचने के लिए आपको राहु के उपाय जरूर करने चाहिए। क्योंकि अगर सूर्य खराब होता है तो राहु ही उसको कलंक लगाता है। तो यहाँ पर राहु आपको पता ना कि सूर्य को ग्रहण करते लगा देता है, तो सूर्य आपकी मान इज्जत प्रतिष्ठा होती है और राहु ऐसी आंधी होती है जो सूर्य को भी जो है कलंकित कर देती है। तो सूर्य जब कलंकित हो जाता है तो हम क्या चीज है। तो आपको राहु से आपको बचना है। पराई स्त्री या पराए पुरुष के अंदर आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाए कि आपको अपना पार्टनर अच्छा लगे, दूसरों के पार्टनर आपको अच्छे लगने लग जाए और आपका उनमें इंटरेस्ट भी बढ़ने लग जाए, आप उनके ऊपर आकर्षित होने लग जाए, आप अट्रैक्ट होने लग जाए और आपका अट्रैक्शन जो है ये बढ़ता चला जा रहा है, तो शुक्र राहु की खराबी को समझ लीजिए कि शुक्र राहु की खराबी आपके जीवन में शुरू हो चुकी है। पांचवा, शरीर का बार बार जो है सुन्न पड़ जाना। आप देखते ना कि शरीर एक बार बीच बीच में, जैसे हमारे हाथ सुन्न पड़ गया, हमारे पैर सुन्न पड़ गए, पैर के नाखून सुन्न पड़ गए, या अंगूठा सुन्न पड़ गया, दोनों अंगूठे सुन्न पड़ गए, इस प्रकार से शरीर का कोई भी अंग अगर बार बार सुन्न पड़ रहा है ना, तो समझ जाइए कि राहु इशारा दे रहा है कि मुझे ठीक करने की जरूरत पड़ गई है। चलते चलते आपके बिल्कुल सही सही रिश्ते चल रहे थे और रिश्ते एकदम से आपके खराब हो जाए, तो समझ जाइए कि आपका राहु खराब होने वाला है। और राहु की खराबी की निशानी आपके रिलेशनशिप को बिल्कुल खराब कर देता है, खासकर तो ससुराल से रिलेशनशिप बिल्कुल डैमेज कर देता है। बिना कारण के आपको बहस करने लग जाओ, आप आर्गुमेंटेशन करने लग जाओ, आपको गुस्सा आने लग जाए, आप गुस्से में इतने ज़्यादा मतलब वॉलेंट हो जाए कि आपको समझ में ना आए कि आपके मुंह से क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है। तो गुस्सा जब आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो समझ जाइएगा कि राहु की खराबी है। तो राहु का इशारा आप समझ गए होंगे और इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी स्वीपर को या सफाई कर्मचारी को आपको झाड़ू, लंबी डंडी वाली झाड़ू आपको जो है बुधवार या शनिवार को आपको गिफ्ट कर देनी चाहिए। दूसरा, राहु के लिए आपको गुरुद्वारे में जाकर पोछे की सेवा अगर आप करते हैं, पोछा लगाते हैं, तो राहु आपका ठीक होना शुरू हो जाता है। तीसरा उपाय, किसी भी सफाई कर्मचारी को आप जो है कोक पिलाएं तो राहु आपका ठीक समझिए। चौथा उपाय, आपको करना है राहु के लिए आपको जो है कचौड़ी जो आलू वाली कचौड़ी होती है या प्याज वाली कचौड़ी होती है या उसके साथ में सब्जी होती है आलू की, वो गरीबों को अगर आप बांटेंगे तो आपका राहु ठीक होना शुरू हो जाएगा। और शनि का भी अगर आप उपाय करेंगे, क्योंकि शनि जज है तो राहु केतु को कंट्रोल कर लेता है, तो आप अंधों का खाना खिलाएंगे तब भी आपका राहु जो है थोड़ा संभलेगा और आपको अच्छे फल देना शुरू करेगा। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा। और राहु आपका कौन से भाव में है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि राहु आपका इस भाव में और आपको ये परेशानी आ रही है, और इसमें से कोई भी बात अगर आपके साथ में रेजोनेट करती है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, कोई ना कोई सोल्यूशन आपको हम कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देंगे। और दर्शकों, रात को 10:30 बजे फ्री कुंडली एनालाइजेशन का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। आज के लिए इतना ही, राधे राधे।